रविवार सकाळी सकाळी उठली मम्माची तयारी करून द्यायला. आज नवाज भाई चलाएंगे एवेंजर. नवाज भाई के पिलियन प्रकाश दुनिया के सबसे फेमस हाईवे पे 550 किलोमीटर चलना है अभी अपने को. बाइको ची माया आणि आयटम चा आशीर्वाद जबरदस्त. सब लोग मिसळ खा रहे और ये ऑड मैन आउट. लो कैलोरी डाइट पे है वो. लो कैलोरी खा रही है. ऑलराइट अच्छा खासा लंबा स्टॉप हुआ है. अभी 10:15 यहाँ पे पहुँचे नवाज भाई. 10 बजे पहुँचे और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10:25. मतलब मेरे लिए 1.5 घंटे का स्टॉप हो गया. सो ब्रेकफास्ट हॉल के लिए 1.5 घंटा इज़ टू मच. अभी यहाँ से निकल के हार्डली 30-40 किलोमीटर में वापस पेट्रोल के लिए भी रुकना पड़ेगा. सो अभी यहाँ से निकलने के बाद खाली पेट्रोल भरेंगे. तुरंत नहीं भरेंगे, थोड़ा आगे चल के भरेंगे और डायरेक्टली नेक्स्ट हॉल्ट रखना होगा चिपलून के पास, विच इज़ अराउंड 75 किलोमीटर्स फ्रॉम नाउ. सो 70-75 किलोमीटर अभी राइड करना है. बाय द वे ये जो लगेज का अपना डिलेमा था वो तो कुछ सॉल्व नहीं हुआ है. तो अभी इस राइड में मैं सैडल बैग ही यूज़ कर रहा हूँ. अभी तक पैनियर्स का डिसीजन आपने दिया नहीं है. तो सैडल बैग्स, टॉप बॉक्स और ये फ्रेम बैग जो हिमालयन 450 के लिए इन्विक्टस ने बनाया है, ये फ्रेम बैग्स का पेयर भी अपने पास आया हुआ है. सो आई एम यूजिंग दीज ऑल लगेजेस नाउ. अभी इसमें मेरे कपड़े हैं, लेफ्ट वाले में प्रियंका के कपड़े हैं, टॉप बॉक्स में एक्स्ट्रा फुटवेयर और लैपटॉप का बैग वगैरह सब है. यहाँ पे टॉयलेटरीज पाउच है दोनों के और टूल किट्स है सब. और यहाँ पे पूरा कैमरा इक्विपमेंट है. सो दिस इज़ हाउ आई एम मैनेजिंग द लगेज राइट नाउ. क्वाइट एफिशिएंट, जो चाहिए आराम से हाथ में मिल जाता है. दोन गाड़िया लंच टाइमला 4 होतील 5 होतील, लंच टाइमपासून 5 गाड़िया होतील. सो दिस व्लॉग इज गोइंग टू गेट इवन मोर एक्साइटिंग. चला चला चला, जाम मोटा स्टॉप झाला. ऑलमोस्ट 1 घंटे का स्टॉप हुआ. चलो निकलते है ना. ओके ऑलराइट लेट्स कंटिन्यू. अगला 75 किलोमीटर का स्ट्रेच, लेट्स गो. जिस दिन पूरा मुंबई गोवा हाईवे ऐसा बन जाएगा ना, उस दिन मतलब जन्नत की सफर होगी. ये द काइंड ऑफ नेचर दैट इज ऑल अराउंड. और अगर ऐसा रास्ता रहा उसके बीच में, लुक एट दिस, क्या ब्यूटीफुल राइड है ये. यू नो व्हाट, अभी वैसे कहा जाए ना तो 60-70% तक तो रोड कंप्लीट हो चुका है. ये पैच कंप्लीट है, फिर आगे चिपलून तक का भी काफ़ी हद तक कंप्लीट है, फिर लांजा से आगे गोवा तक पूरा कंप्लीट है जहाँ तक मैं जानता हूँ. ये टोल प्लाजा चालू नहीं हुआ है अभी तक. कोल्हापुर खेड़ रत्नागिरी अपने को उससे भी आगे जाना है. फ्रॉम महा टू कोल्हापुर 18 किलोमीटर्स इन 10 मिनट्स. दैट्स हाउ गुड द रोड इज. ये लेफ्ट में जो सर्विस रोड गया ये ऊपर चढ़ के लेफ्ट टर्न टुवर्ड्स महाबलेश्वर कोल्हापुर, ये भी एक प्रोमिनेंट जंक्शन हुआ करता था, अभी पूरा अंडरपास बन गया है. और जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे तुरंत शुरू होता है कशेड़ी घाट. कशेड़ी घाट आधा तो चढ़ना है अपने को और उसके बाद आता है कशेड़ी टनल जो अभी रिसेंटली चालू हुआ है. सो वो भी देखने मिलेगा आपको इस ब्लॉग में, कशेड़ी टनल का एक्सपीरियंस. सो वन ऑफ माय फेवरेट घाट्स. टर्न्स काफ़ी अच्छे हैं इसके, मज़ा आता है बाइक चलाने में. बाय द वे बोला नहीं मैंने, लेकिन अभी तक जितना चलाया है ना, डिस्पाइट ऑफ द हाइट इतना टॉल बाइक है, लेकिन टर्न्स वगैरह में एकदम काफ़ी प्लांटेड फील होता है, मज़ा आता है कर्व्स लेने में. इसमें ऐसा कभी लगा नहीं मुझे कि कॉर्नरिंग में गाड़ी लाइन छोड़ रही है, कंट्रोल के बाहर जाएगी. कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आता है. ये हम चले कशेड़ी टनल की ओर.
जो ऊपर रास्ता गया, दिस इज़ द ओल्ड कशेड़ी घाट। ओल्ड कशेड़ी घाट इज़ बेसिकली वो टॉप में जो टावर दिख रहा है ना, वहाँ तक जाके फिर नीचे उतरना है। अभी हम सीधा नीचे से टनल में से निकल जाएंगे। ये आया टनल। अभी फिलहाल एक ही टनल चालू है, बेसिकली दूसरे टनल का काम चल रहा है अभी, और एक ही में से बोथ साइड ट्रैफिक चल रहा है। Here we go। अब आपको पता चला होगा अपने IPH लाइट्स का कमाल। भाई तो ये टेस्टिंग भी हो गया दिन के उजाले में ही। ये देखो ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है। रिपोजिशन करने का टाइम तो मिला नहीं था अपने को, बट स्टिल इट्स डूइंग गुड। सामने लाइट भी अच्छा खासा पड़ रहा है और इतना कुछ रिफ्लेक्शन भी नहीं है। फिर भी रात को पता चलेगा जब बाहर पूरा अंधेरा होगा, अभी भी अंधेरा ही है। सो एज ऑफ नाउ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विंडशील्ड पे, उससे तकलीफ नहीं होगी। सो अगर ये ऐसा ही है तो अपने को रिपोजिशन करने की ज़रूरत नहीं है, देन इट्स अ ग्रैंड सक्सेस। काफ़ी बड़ा टनल है यार। टनल से बाहर जाने की इच्छा नहीं हो रही यार, ठंडा है अंदर पूरा, पानी भी आ रहा है ऊपर से बीच बीच में। सही है, खत्म। सुख पाहता जवा पाड़े दुख पर्वताय वड़े, संपला बोगदा संपली ठंडी बैक टू गर्मी। एक फोन कॉल आया था वर्क रिलेटेड, और कॉल पे बात करते करते खेड़ पहुंच गए। ऑब्वियसली कॉल पे बात करते करते मतलब फ़ोन हाथ में पकड़ के बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम कनेक्टेड टू हेलमेट ब्लूटूथ। और एज आई सेड आफ्टर कशेड़ी टनल फिर से पूरा रास्ता बन के तैयार है। यह नदीचा नाव खतरनाक है माहिती का एकदम, दिस इज जगबुड़ी रिवर। जगबुड़ी लिटरली मीन्स पूरी दुनिया को डुबाने वाली, सो दिस इज जगबुड़ी रिवर। ये ब्रिज देखो, बहुत जगह पे देखे मैंने ऐसे ब्रिज यहाँ पे बने हुए, मतलब यहाँ पे पूरा रैंप बनाया है सो दैट आप टू व्हीलर लेके भी रोड क्रॉस कर सकते हो ऊपर से चढ़ के, या व्हील चेयर से भी एक्सेस कर सकते हो। एक साइड से स्टेप्स बने हैं, दूसरी साइड से पूरा रैंप बना है टू व्हीलर के लिए, बाइसिकल्स के लिए। बाय द वे अभी अपना फ्यूल रेंज दिखा रहा है सिर्फ 34 किलोमीटर्स, सो पेट्रोल के लिए रुकना पड़ेगा तुरंत तो ही कहीं पे। ऑलमोस्ट आधा घंटा हुआ यहीं पे रुके हैं, पेट्रोल भर के तो कब का हो गया। 14 लीटर पेट्रोल आया बाइक में, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा प्रीमियम तो नहीं मिला तो सादा ही डालना पड़ा। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना, जॉब अच्छा है, एक बार रिटर्न एप्लीकेशन दिया, छुट्टी मिल गई, बात ख़त्म, निकल जाओ। जिस दिन रिज्यूम होने वाले हो तब तक कोई नहीं पूछेगा। बिजनेस में हज़ार नखरे हैं, आप किसी से छुट्टी मांग नहीं सकते। अभी क्लाइंट बोल रहा है मेरा काम कैसे भी करके करो, दिमाग खराब कर दिया। आधे घंटे से इधर बैठ के कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड कर रहा हूँ। जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना कि एक कॉल चल रहा था, वो भी कॉल उसी सिलसिले में था। मेरी जानकारी में ये इकलौता ऐसा घाट है जिसको हम चढ़ते अलग नाम से उतरते अलग नाम से। खेड़ की तरफ से चढ़ते हैं तो इसका नाम है भोसले घाट, और इस तरफ चिपलून की तरफ उतरते हैं तो नाम है परशुराम घाट। और ये राइट साइड में वशिष्ठ दर्शन पॉइंट, मतलब जहाँ से वशिष्ठ रिवर का बहुत अच्छा व्यू मिलता है, लेकिन अभी फोर लेन होने की वजह से कट नहीं है उस तरफ जाने को। घाट उतरते टाइम पे बैटरी ख़त्म हो गई थी कैमरा की, तब से मैं गिन रहा हूँ पिछले 13 किलोमीटर। चिपलून पूरा क्रॉस करके आगे आ गए हम, काफ़ी आगे आ गए। 13 किलोमीटर बाद पहला पेड़ मिला है। 13 किलोमीटर में रुकने के लिए इतनी सी भी छाव नहीं थी, सोचो क्या हालत करके रखी है। ठीक है, डेवलपमेंट एक तरह से नेसेसरी है, इट्स अ नीड ऑफ द आवर, सब ठीक है, बट एट व्हाट कॉस्ट। 13 किलोमीटर्स एक मोटरसाइकिल खड़ी रहने के लिए छाव नहीं है। 13 किलोमीटर बाद रुकने को मिला, तब जाके मैंने बैग में से एक कॉर्ड निकाला, कैमरा चार्जिंग को लगाया, और तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
रियली रियली फीलिंग बैड राइट नाउ. मतलब इतनी देर से बोल रहा हूँ कि रोड अच्छा बनेगा, जन्नत बनेगी, लेकिन दिस इज़ नॉट जन्नत. ये खुद एक्सपीरियंस करने पर ही पता चल रहा है, दूर से देखने में नहीं पता चलेगा कि ये हालत हो रही है. दिस इज़ बैड. गोवा हाईवे का तीसरा टोल प्लाजा, दिस इज समथिंग 15 किलोमीटर संगमेश्वर से पहले. आरशात आधी बघायचंच नाही, कोणी हॉर्न वाजवला तर बघायचं कसं गाड्या चालवतात. सो ये भी अभी बंद ही है. तो नाइस, इसके ऊपर से ब्रिज बनाया है. कुछ अलग है. बारिश होते गई है यहाँ पे. सून वी आर एंटरिंग विद बारिश धोन. बारिश लगने वाली तो है ही ऑलरेडी. सी 1:10 और धूप गायब, क्लाउडी हो गया एटमॉस्फेयर, ओवरकास्ट कंडीशंस. अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन बारिश आएगी तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा. और अभी जस्ट नवाज भाई का फ़ोन आया था, 2 किलोमीटर आगे एक दुकान के पास रुके हैं ब्रिज क्रॉस करके. पता है मुझे, वो नदी वाला ब्रिज है, क्रॉस करके रुके हैं. बाय द वे जस्ट 5 मिनट पहले पहुँचे हैं वो लोग. सो वी आर नॉट टू मच फार बिहाइंड. अच्छा खासा कवर अप कर लिया हमने. 2-3 किलोमीटर ये और 5 मिनट पहले पहुँचे, मतलब 7-8 किलोमीटर आगे होंगे शायद. टर्निंग पे दुकान, दुकान ब्रिज. यस, पहुँच लो पहुँच लो पहुँच लो. थोड़ी साइड ला चलाऊया गाड़ी. पाँच 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक और निकलेंगे आगे. चलो, छोटा सा ब्रेक हो गया. एक्चुअली यहाँ रुकने की वैसे ज़रूरत नहीं होती थी, बट देवरुख के लिए अपने को आगे से लेफ्ट टर्न लेना है, इसलिए मैंने नवाज भाई को बोल रखा था कि आप संगमेश्वर से पहले रुको, क्योंकि अगर ये वाला लेफ्ट टर्न स्किप कर जाते तो फिर वो सीधा रत्नागिरी वाले रोड पे चले जाते, विच इज़ वेरी बैड. संगमेश्वर से आगे रत्नागिरी क्रॉस करके लांजा तक बहुत ख़राब रास्ता है, इसलिए हमने ये देवरुख वाला रूट लिया है. जैसे ही गोवा हाईवे छोड़ के ये देवरुख वाला रूट लिया, रास्ता छोटा हो गया लेकिन दोनों तरफ पेड़ ही पेड़. कभी कभी ऐसा लगता है ये 4-lane कॉन्क्रीट रोड से दिस इज़ वे बेटर. एक्चुअली मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है, बिकॉज आई एम नॉट वन ऑफ दो पीपल की जो गाड़ी भगाने में मज़ा लेते हैं. मुझे ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड सामने से गाड़ी आ रही है, उसके बीच में से ओवरटेक के लिए चांस निकालो, इसमें बहुत मज़ा आता है. आई एंजॉय दिस काइंड ऑफ रोड्स. बाय द वे अभी देवरुख सिर्फ 12 किलोमीटर बाकी है. सो आफ्टर 12 किलोमीटर्स वी आर स्टॉपिंग फॉर लंच, और वहाँ पे बाकी और 3 लोग भी मिलेंगे. सो अब ये 12 किलोमीटर अंटिल एंड अनलेस देयर इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग तभी मैं शूट करूँगा, अदरवाइज डायरेक्टली लंच पे मिलते हैं. फास्ट फॉरवर्ड टू 3:30 पहुँचे यहाँ पे हम लोग. 2:10 हुए थे एग्जैक्टली जब यहाँ पे पहुँचे. होटल का नाम दिखाऊंगा मैं आपको, और अभी मैं कैमरा नहीं घुमा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा उस तरफ कुछ है जो मुझे दिखाना है. सो नवाज भाई की बाइक यहाँ पे है, अपनी बाइक यहाँ पे है, लेकिन अभी फ्रॉम दिस होटल महफिल इन देवरुख अपना कारवा बढ़ गया है. लुक एट दिस. हाँ ये मोटा नहीं बोल, मोटा नहीं बोल, मोटा नहीं बोल. काय तू खराब करतो, खराब नाही. देखो ये चीज जो होती है ना, ये व्लॉग के स्टार्ट में जाती है, इन दिस वीडियो. दिस इज नॉट खराब, हाईलाइट है. बाय द वे अमरीश भाई, कौस्तुभ एंड रोहन, पुणे सांगली, राइट? यस.
सो ये लोग कल शाम को ही यहाँ पे देवरुख में पहुँच गए थे एंड नाउ वी आर लिविंग फ्रॉम हियर टुगेदर. नीलेश सर विद फैमिली पीछे से कार में आ रहे हैं, वो लोग कब पहुँचेंगे कब हमें मिलेंगे पता नहीं है. सो इतना बड़ा ग्रुप है अभी हमारा और अभी यहाँ से एडवेंचर 390, क्लासिक 350 और एक एडवेंचर 390, हिमालयन 450 और एक एवेंजर 220. पाँच बाइक्स साथ में चलेंगी फ्रॉम हियर टू गोकर्ण. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. 3:30 ऑलरेडी बज गए हैं. हम लोग को एज पर द ओरिजिनल प्लान यहाँ से लंच करके 2 बजे निकलना था. 2 बजे तो हम लोग पहुँचे, सो 1 घंटा वैसे भी लेट थे और 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा हम लोग लंच करने बैठे. सो 3:30 बजे हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, लेट हुआ है लेकिन सब लोग साथ में हैं और ऊपर अगर आप देख रहे हो तो आपने ऑलरेडी गेस किया होगा अच्छा खासा ओवरकास्ट हो गया है. बारिश कभी भी चालू हो सकती है. सो यहाँ से आगे बहुत मज़ा आने वाला है. फ़ोन फुल चार्ज हो गया है लंच होने होने तक. अभी मैंने कैमरा फिर से लगा के रखा है चार्जिंग पे, कैमरा भी चार्ज हो जाएगा. लेकिन कैसा है अपना SJ कैम विदाउट केसिंग वाटरप्रूफ नहीं होता है. सो अगर बारिश आती है तो फिर मोटो व्लॉग नहीं हो पाएगा, मतलब मैं बात नहीं कर पाऊँगा उसके केस में डाल के, सिर्फ रोड शूट कर पाऊँगा. बाद में अगर वॉइस ओवर डालूँगा तो डालूँगा, नहीं तो नहीं डालूँगा. बट राइड का मज़ा आपको मिलता रहेगा. लेट्स गो मीट ऑन द बाइक ओनली.